हरे कृष्णा। तो आज जो है हम एक बहुत ही विशेष तिथि के विषय में चर्चा करेंगे और इस तिथि का नाम है विजया एकादशी। ये विजया एकादशी इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस तिथि का अनुपालन, इस एकादशी का अनुपालन परम पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने त्रेता युग में भी किया था। तो भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है और भगवान रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, और उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस एकादशी का पालन किया था और फिर लंका में विजय प्राप्त करी थी। यह एकादशी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आती है और बहुत ही विशेष है। तो आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इस एकादशी के विषय में किस शास्त्र में वर्णन है और इस एकादशी का क्या महात्म्य है। तो इस विजय एकादशी के विषय में स्कंद पुराण में वर्णन आता है, जहां पर महाराज युधिष्ठिर और परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के विषय में संवाद है। तो एक बार महाराज युधिष्ठिर परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताएं, उसके महात्म्य के विषय में बताएं और ये भी बताएं कि इस एकादशी का अनुपालन करने से क्या लाभ है और इस एकादशी को कैसे पालन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्काते हुए युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, इस कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक बार कमल रूप कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी से उनके पुत्र नारद जी ने पूछा, हे सूर्यश्रेष्ठ, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस विशेष एकादशी यानी कि विजया एकादशी का क्या महात्म्य है, उसको करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है और उसका कैसे अनुपालन किया जाता है, इसके विषय में मुझे बताइए। ब्रह्मदेव बहुत ही प्रसन्नचित होकर नारद से कहते हैं कि आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है और मैं तुमको इस कथा के विषय में अवश्य बताऊंगा और बहुत ही विस्तार से बताऊंगा कि किस तरह से इस एकादशी का पालन करने का क्या क्या लाभ है और इसे कैसे कैसे किया जाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने अपनी कथा की शुरुआत करते हुए कहा कि यह जो विजय एकादशी है, यह सब सब पापों को नाश करने वाली है और यह बहुत ही प्राचीन और पवित्र है। यह विजय एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करने वाली है और इस विजय एकादशी का अनुपालन परम पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने त्रेता युग में भी किया था, जब वे 14 वर्ष के वनवास में गए थे। और फिर बताते हैं कि जब वो 14 वर्ष के वनवास में गए थे, उसके बाद वे बहुत स्थानों पर रहे और पंचवटी नामक स्थान पर रावण ने सीता और लक्ष्मण के साथ वहां पे निवास करते थे और वहीं पे रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी का अपहरण करने के बाद रावण भगवान रामचंद्र जी जब वापस आते हैं तो सीता जी की खोज करते हुए वे जटायु वृद्ध जटायु के पास पहुंचते हैं, जो कि मरणासन्न अवस्था में रहते हैं, और वो बताते हैं कि किस तरह से सीता जी का हरण राक्षस राज रावण ने कर लिया है और किस तरह से जटायु जो है राक्षस से युद्ध करते हुए अपने अब मरणासन्न अवस्था में। इसके बाद रामचंद्र जी आगे बढ़ते हैं और वहां पे बहुत सारे असुर कबंध इत्यादि को मारते हुए वन में भटकते हुए सीता जी को ढूंढने का प्रयास करते रहते हैं, और उसके उपरांत उन्हें फिर कालांतर में सुग्रीव जी से उनकी मित्रता होती है और सुग्रीव जी के नेतृत्व में सारे वानर सेना को संगठित करके भगवान रामचंद्र जी जो है युद्ध युद्ध के लिए आगे प्रस्थान करते हैं, युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं और वे जाकर के लंका के तट पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि भी लंका के तट पे पहुंचते हैं जहां से उन्हें समुद्र पार करके श्रीलंका जाना होता है। उसके पहले ये लंका का पता वास्तविकता में उनके एक भक्त हनुमान जी लगाते हैं। हनुमान जी जो है एक ही छलांग में जाते हैं भगवान की मुद्रिका लेकर के लंका में और वहां पे सीता मैया का पता लगाते हैं, सीता मैया कहाँ पे निवास कर रही है अशोक वाटिका में, और फिर रावण की शक्ति का अवलोकन करने के लिए वो मेघनाद द्वारा अरेस्ट हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं और फिर रावण के दरबार में जाकर के उन्हें चेतावनी देते हैं कि सीता मैया को छोड़ दिया जाए, अन्यथा परम पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी आएंगे और लंका को नष्ट करके सीता जी को छुड़ा करके ले जाएंगे। रावण जो है बहुत ही अहंकारी होने के कारण उनकी बातों को सुनता नहीं है और हनुमान जी की पूंछ में अग्नि लगा करके उसे जलाने का प्रयत्न करते हैं। हनुमान जी जो है अतुल बलधामा है, वो क्या करते हैं, उस लगी आग से पूरे लंका का दहन कर देते हैं, लंका को जला करके नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। पुनः आकर के भगवान रामचंद्र जी को इस विषय में बताते हैं किस तरह से लंका के उस पार लंका में सीता जी वहां पे अशोक वाटिका में बैठी हुई है और अब सब लोगों को चलकर सीता जी को छुड़ाना है। तो सारी वानर सेना का नेतृत्व करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ आते हैं लंका समुद्र के तट पर
और फिर जब वहां पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अथाह सागर जो है उनका वहां पे इंतजार कर रहा है। और जब वो अथाह सागर को देखते हैं तो सारे जो रामचंद्र जी की सेना है सुग्रीव इत्यादि हताश हो जाते हैं कि किस तरह से इस विशाल सागर को पार किया जाएगा। क्यों? क्योंकि सागर के अंदर बहुत ही विशाल जीव जंतु भी रहते हैं और सागर को पार कर पाना अत्यंत ही कठिन है। वैसे रामचंद्र जी के लिए कोई चीज कठिन नहीं है, लेकिन चूंकि भगवान अपनी मर्यादा का निर्वहन कर रहे हैं तो इसलिए उस तरह से वो अभिनय करते हैं। तो उसके बाद अब वो कहते हैं लक्ष्मण से कि इस अथाह सागर को देखकर मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है कि इसे कैसे पार किया जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा मुस्कुराते हुए, महाराज आप ही आदिदेव हैं और पुराण पुरुष परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। आपसे कुछ भी छिपाना असंभव है, लेकिन चूंकि आप मुझसे पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यही कुछ दूर पर बगदा लभ्य नामक मुनि रहते हैं और उन्हीं के पास कुछ ही दूर पे उनका आश्रम है। तो अगर हम चाहें तो ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि हमें क्या करना चाहिए, अपने श्रेष्ठ और गुरुजनों से आचार्यों से किसी भी दुविधा का निराकरण करना चाहिए। तो अच्छा होगा कि हम बगदा लभ्य मुनि के आश्रम में जाएं और उनसे ही इस समस्या का समाधान पूछें कि इससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं। लक्ष्मण जी के कहे अनुसार भगवान रामचंद्र जी मुनिवर्य बगदालभ्य मुनि के पास जाते हैं मिलने के लिए, उन्हें प्रणाम करते हैं। और जब मुनिवर, क्योंकि मुनि त्रिकालदर्शी हैं, समझ जाते हैं क्योंकि उनकी कुटी में कोई और नहीं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं आए हैं, तो बहुत ही हर्षपूर्वक उनके आगमन के विषय में पूछते हैं कि आप का आना यहाँ पे क्यों हुआ। रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि सीता जी का हरण हो गया है और मुझे लंका पार करके वहां पे जो रावण रहता है उसका वध करके मुझे सीता जी को वापस छुड़ाना है। बगदालभ्य मुनि कहते हैं, उनको कहते हैं कि ठीक है, बहुत ही अच्छा है। तो इसके लिए कहते हैं, हे श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का पालन करने से विजय की प्राप्ति होती है। हे राजन, इस व्रत की विधि इस प्रकार करें। दशमी के दिन चांदी पीतल तांबा अथवा मिट्टी के एक कलश की स्थापना करें, उसमें पानी भर के पत्ते डालें, उस पर भगवान नारायण के विग्रह का स्थापना करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठ करके स्नान करें और फिर पुष्प माला चंदन सुपारी नारियल इत्यादि उस कलश का पूजन करें, यानी कृष्ण का पूजन करें। दिन भर भगवान के कीर्तन करिए, भगवान के पवित्र नामों का जप करिए, जागरण करिए, घी के दीपक जलाइए और इसके पश्चात द्वादशी के दिन उस कलश को किसी नदी या तालाब के दिन उसकी स्थापना करिए और कलश जो है किसी को दान में या कुछ दान जो है उस दिन द्वादशी के दिन जो है किसी प्रकार की चैरिटी भी करने का प्रावधान है, ऐसा वो बताते हैं। फिर भगवान रामचंद्र जी को कहा उन्होंने कि इस तरह से अगर आप नारायण की पूजा करते हैं, इस विजय एकादशी का पालन करते हैं तो आपको अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। इसके बाद भगवान श्री राम ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, मुनिवर्य के कहे अनुसार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विजय एकादशी व्रत का पालन किया और उस व्रत के प्रभाव से परम पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी विजय हुए और इस तरह से उन्होंने रावण का वध किया और धर्म की संस्थापना करी। तो उसके बाद इस कथा को समाप्ति करने के बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस एकादशी का जो कोई भी पालन करता है और उसका महत्व सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है और इस दिन जो है दान करने की बहुत ही बड़ी इस दिन एकादशी और द्वादशी के दिन दान करना बहुत ही लाभदायक होता है आध्यात्मिक दृष्टि से भी और पुण्य के दृष्टि से भी। तो अगर आप दान करना चाहें तो हमारे इस्कॉन अयोध्या की खाता संख्या जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसमें जाकर के आप जो है इस्कॉन अयोध्या को दान कर सकते हैं। ये दान जो है वो ब्राह्मण सेवा, गौ सेवा और खिचड़ी वितरण करने के लिए वैष्णव की सेवा में इसे लगाया जाएगा। और इस तरह से जो है आप सभी से अनुरोध है कि एकादशी के दिन जो है आप व्रत का पालन करें, ज्यादा से ज्यादा भगवान के पवित्र नामों का जप करें और ज्यादा से ज्यादा भक्तिमय कार्यों में संलग्न रहें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अधिक से अधिक, जिससे ये विजय एकादशी का ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सके। तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्ण।